नमस्कार दोस्त, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल लखनऊ लर्निंग में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा जो यूनिवर्सिटी है उसमें अभी तक मेरिट लिस्ट देखने को नहीं मिला यूजी कोर्सेज का। तो दोस्तों, उसी के ऊपर ये वीडियो लेके आया हूँ। कुछ कोर्सेज का मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, चलिए देखते हैं कि कैसे हमको फाइंड करना है कि किसका किसका नाम आया है, किसका नहीं आया है, क्या कट ऑफ वगैरह गया है। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाली सारी अपडेट इस कॉलेज से रिलेटेड आपको मिलती है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट dsfru.up.nic.in पे वो यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी का। इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, एडमिशन 2024-25 पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं लिखा हुआ है बीपीओ काउंसलिंग नोटिस, बीटेक प्रोविजनल मेरिट, बीबीए प्रोविजनल मेरिट। इस दोनों में से किसी एक पे क्लिक कर लेना है। जैसे हमने बीटेक पे कर लिया, देख लेते हैं बीटेक में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या कट ऑफ लिस्ट गया हुआ है, और हम साथ ही साथ इसका भी कर लेते हैं बीबीए का कि क्या है, बीबीए में भी कितनी मेरिट लिस्ट गई हुई है, क्या जानकारी दी गई है। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि ये नोटिस आया हुआ है, इस नोटिस में दोस्तों ये बताया गया है कि जो भी बीटेक के अंतर्गत स्ट्रीम में आता है, बीटेक में जैसे कि बीटेक सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और उसका आपका कंप्यूटर साइंस है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, जितने भी बीटेक के अंतर्गत आपके इंजीनियरिंग कोर्सेज आते हैं, इसमें जो काउंसलिंग की डेट दी गई होगी दोस्तों, जो पहली काउंसलिंग दी गई है वो दी गई है 29/7/2024, जो कि आपका मंडे है, से लेके 1 अगस्त 2024, जो कि आपका बृहस्पतिवार है। मतलब इतने दिन के लिए आपका दिया गया है, इसके बीच में आपको कराना है 29, 30, 31 और 1, 4 दिन के अंदर आपको पहली काउंसलिंग करा लेनी है। तथा द्वितीय प्रवेश के लिए जो काउंसलिंग होने वाली है वो 5 तारीख से होने वाली है, 5 तारीख मतलब सोमवार से लेकर 7 तारीख के बीच में, मतलब बुधवार मतलब वेडनेसडे तक। ठीक है, ये इस नोटिस में बताया गया है। दूसरा ये बताया गया कि जो बच्चे सीयूईटी के थ्रू यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, सीयूईटी, ठीक है दोस्तों, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जरिए यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए बताया गया है कि उनके लिए दोबारा से जो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है वो चालू की जाएगी। ये उन बच्चों के लिए एडमिशन के लिए है जिनका मेरिट लिस्ट के साथ में चयनित हुए हैं। ठीक है, इनको करना क्या है, काउंसलिंग में ये कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे जो आपको लेके जाने हैं। यहाँ पे लिखा गया है ऑनलाइन आवेदन की छाया प्रति, मतलब आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसका एक फोटोकॉपी ले जाना है, या जी मेन्स या सीयूईटी अदर कोई भी रैंक अगर कार्ड है आपके पास वो लेके जाना है, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है, आय प्रमाण पत्र ले जाना है, निवास ले जाना है, जाति ले जाना है। ठीक है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट या फिर जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। अगर दिव्यांग है आप अगर फिजिकली हैंडीकैप है या हैंडीकैप है तो आपको वो भी लेके जाना है, सर्टिफिकेट, टीसी लेके जाना है या माइग्रेशन लेके जाना है। ठीक है, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट आप लेके करके रीड कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो ईडब्ल्यूएस, अगर आपने कोई आरक्षण लिया है तो उसका लेके जाना है, अगर कोई रिजर्वेशन लिया है तो उसका लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं जो कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। मैं अपने 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 यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, प्लस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको सेंड कर दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो फीस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे फीस भी जो दी गई है 51,305 रुपये दी गई है, प्लस जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए 13,805 रुपये दी गई है। ठीक है, तो ये फीस भी लेके आपको जानी होगी वहाँ पे काउंसलिंग के बाद, वहाँ पे जाके सबमिट करना होगा आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही। ठीक है, तो ये तो इस नोटिस में दी गई है। चलिए आगे बात कर लेते हैं किस बच्चों का नाम आया किसका नहीं आया है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आप अपना क्लियर कर लीजिएगा किस बच्चों का नाम है किसका नहीं है। यहाँ पे करके बहुत सारी बच्चों के नाम दिए गए हैं मेरिट लिस्ट में। एज यूजुअल बीबीए की जो मेरिट लिस्ट है उसमें भी यही कहा गया है दोस्तों, कि पहले तो कहा गया था कि 30 जुलाई को डिक्लेयर करेंगे, लेकिन अभी कर दिया उन्होंने जल्दी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप सब क्लियरली एक बार रीड कर लीजिएगा इसमें बोला क्या क्या गया है, और कितने तारीख को आपके यहाँ काउंसलिंग है, कितने तारीख को सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, कितने तारीख को थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी। ये बीबीए की नोटिस है। ठीक है, अगर आपको नोटिस चाहिए होगा तो आप हमारे इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको नोटिस सेंड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपना नाम भी देख लीजिए किस बच्चों का नाम आया किसका नाम नहीं आया, कितना कट ऑफ गया है, कितना नहीं गया है, किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ, सारी जानकारी पीडीएफ में दी गई है। ठीक है दोस्तों, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली सारी अपडेट इस कॉलेज से रिलेटेड आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्ते।